हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बनाएंगे बनारस का बहुत ही टेस्टी यमी टमाटर की चाट। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे बनाने के लिए आप मेरी रेसिपी को एंड तक देखें। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है, इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है और ये बहुत ईजी बन जाता है। हम इसे घर के ही कुछ मटेरियल से बनाएंगे। आप एक बार इसे बनाएं और हमें जरूर बताएं कि इसका टेस्ट आपको कैसा लगा। चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम एक कढ़ाई में सरसों का तेल डालेंगे। इसमें हम हींग डालेंगे। हींग जरूर डालें, इससे टेस्ट और ज़्यादा डबल हो जाता है। इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे, थोड़ा सा सरसों डालेंगे और अब इसमें हम डालेंगे लहसुन। दो मीडियम साइज का प्याज को कट करके हम इसमें डालेंगे। हल्का ब्राउन होने तक इसे हम फ्राई करेंगे। अब टमाटर चाट बना रहे हैं, उसमें ढेर सारे टमाटर चाहिए होगा, तो इसमें हम चार टमाटर काट के डाले हैं। टमाटर जितना लाल होगा उतना ही ज़्यादा कलर अच्छा आएगा। आप इसे बनाने के लिए टमाटर थोड़ा सा लाल ही रखे, जितना रेड टमाटर रखोगे उतना ही ज़्यादा इसका कलर खिल के आएगा। इसमें हम चार आलू भी डालेंगे। इसे उबाल कर पहले से ही मैंने रख लिया था। अब सबको अच्छे से मिक्स करके अच्छे से मिलाएंगे। इसमें हम चाट मसाला डालेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे और थोड़ा सा धनिया का पाउडर डालेंगे। सबको अच्छे से मिलाएंगे। थोड़ी देर तक इसे अच्छे से मिलाते रहना है। अब इसमें हम एक गिलास पानी डालेंगे, छोटे गिलास से। अच्छे से मिला के इसे छोड़ देंगे। अब हमारा चाट रेडी हो चुका है। इसे आप प्याज, धनिया, मिर्च और सेब के साथ सर्व करें। ये खाने में बहुत टेस्टी होता है। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और एक बार इसे बनाकर जरूर टेस्ट करें। थैंक यू, बाय बाय।